स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए है पी एस टेट का, क्योंकि किस तरह के किन्ने क्वेश्चन आने हैं। शुरू में असं ये समझ लीए कि पेपर दे जिहड़े बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्होंने प्रमुख ने कि पेपर दे फॉर्म ऑनलाइन है, पेपर होना एग्जाम ऑफलाइन होना है, पेपर पेंसिल ओ एम आर शीट पर जोड़े रिस्पॉन्स देने उस तरह होएगा, वैलिड लाइफ ली है। बेशक तुम सैम वन चो किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम च लाइफली वैलिड होएगा, एक बार पास कर लिया सदा ली है। नैगेटिव मार्किंग नहीं है, इट मीनस गैस वर्क लगा सकते हो। पास मार्क्स जो जनरल कैटेगरी ली सॉरी 90 होंगे और रिजर्व कैटेगरी ली 82 होंगे ने, ये टोटल 150 MCQ होंगे ने, 150 मार्क्स होंगे ने, एक क्वेश्चन एक मार्क का है और 150 मिनट विच तुसी करने ने, पांच डिवीजन एदियां कीतियां होंदियां ने, वो देख लेने हैं। जो लिखा है वो तुहानू पढ़न की लोड़ नहीं पेगी, मैं इस तरह दस देना हाँ। दो पेपर होंगे ने, पेपर वन पेपर टू, पेपर वन जिहड़ा है तुसी एक तो पंजवीं जमात तक लिए एलीजिबल बनना है, पेपर टू जिहनू मास्टर कैडर कह देंदे ने इत्थे पंजवीं तो अठवीं लिखा है, दसवीं तक भी एलीजिबिलिटी बन जाती है। इस तो इलावा जिहड़े पेपर हैं ड्यूरेशन ये गल कर चुके हैं, 2.5 घंटे है, 150 क्वेश्चन है, ये भी गल हो चुकी है। पांच जिहड़ियां इहदियां डिवीजन हैं पेपर वन दियां एलीमेंट्री टीचर जिहड़ा DLED ETT वगैरह की हुई है उन्हां दी गल सिर्फ करिया मैं इत्थे, अगे दूजियां दी भी गल करदे हां। सो उन्हां दे चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी कलर नूं चेंज कर लैंदे हां, रैड लै लैंदे हां, एंड पैडागोजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन्हां ने बाकी पेपरों पर भी अप्लाई होना है। सो इस दे 30 क्वेश्चन ने, 30 मार्क्स होंगे। चाइल्ड डिवेलपमेंट विच बच्चे का विकास किस तरह होंदा है, प्री नेटल तो अडोलसेंट नॉर्मली पढ़िया जाता है, लेकिन सैकेंडरी स्टेज लिए अडोलसेंट तक होएगा। जिहड़ा पेपर वन है अडोलसेंट तो पहला चाइल्डहुड तक होएगा, है ना, पबर्टी पीरियड तक हो सकता है। सो चाइल्ड डिवेलपमेंट विच मेन असी जिहड़े है डिवेलपमेंट ग्रोथ लर्निंग मैच्योरेशन कंसैप्ट पढ़ते हाँ, सो थ्यूरीज पढ़ते हाँ, कॉन्सैप्ट्स प्रिंसीपल्स ते थ्यूरीज केड़ियाँ, प्याजे है, वाइगोस्की है, कोलबर्ग की है, कोगनेटिव डिवेलपमेंट की, मॉरल डिवेलपमेंट की है, सोशल डिवेलपमेंट की, एरिकसन की थ्यूरी है, इंटेलीजेंस की थ्यूरी है, जी गार्डनर की मल्टीपल डायमेंशनल थ्यूरी है, ये सारिया पढ़ा। ये थ्यूरीज दसदिया ने कि बेसिक प्रिंसीपल्स के कंसैप्ट की है कि टीचिंग दे लर्निंग दे, तुसी टीचर बनना टीचिंग करनी है तो अच्छा टीचर केड़ा है जिहड़ा बैटर लर्निंग करवांदा है। टीचिंग की होंदी है टीचर का वो बिहेवियर जिहड़ा बच्चे दे बिहेवियर विच चेंज लै आवे, अच्छा बच्चे दे बिहेवियर च चेंज आंदा है जिहड़ा, है ना, परमानेंट चेंज आंदा है, उसनू असी लर्निंग कह दिंदे हाँ। सो असी सब कुछ बैटर लर्निंग नहीं करना है, ये हमेशा राइट आंसर होंदा है तुहाडे क्वेश्चन दे विच। सो ये प्रिंसीपल किद्दां दे ने, फॉर एग्जाम्पल मैं दो चार प्रिंसीपल दसदा हाँ। प्रीवियस नॉलेज नाल जिहड़ा टीचर लिंक करेगा न्यू नॉलेज नूं वो हमेशा ही राइट होएगा, राइट आंसर होएगा PK प्रीवियस नॉलेज नाल लिंक करना। टीचर जिहड़ा फैसिलिटेट करता है, ट्रांसमिट नहीं करता, लैक्चर नहीं दिंदा, वन वे प्रोसैस है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है वो सिर्फ बोलता है, बच्चों को बोलन नहीं दिंदा, दूसरा टीचर है बच्चे तो बच्चे गल कर दिंदा है, है ना, सोशल कम्युनिकेशन। सो इस तरह फैसिलिटेट करता है, इस तरह सोशल एनवायरमेंट बनाता है, मीनिंगफुल इंट्रैक्शन करता है, करवाता है, डिस्कशन जिहड़ा है अलाउ करता है, क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करने लिए, क्रिएटिव थिंकिंग डिवेलप करने लिए, रिफ्लैक्शन शब्द है, मैटाकोगनीशन शब्द है, ये सारे राइट आंसर ने, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसीपल्स ने, वो थ्यूरीज ने दिते, कंस्ट्रक्टिविज्म ने दिते, है ना। जे री इनफोर्समेंट आता है, बिहेवियरिज्म आता है, फीडबैक है, फीडबैक नाल असी ज़्यादा लर्न करते हाँ। सो ये सारे कुछ एक प्रिंसीपल ने जिहड़े असी चाइल्ड डिवेलपमेंट च पढ़ने हाँ, वो थ्यूरी नूं लर्न करन तो बाद असी थ्यूरीज दे प्रिंसीपल कंसैप्ट उन्हां ते भी क्वेश्चन आउंदे ने, जिद्दां प्याजे ते सब तो ज़्यादा, जां कोलबर्ग ते इन्हां ते ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उन्हां कंसैप्ट्स नूं जिहड़ियां थ्यूरीज दे कंसैप्ट पढ़ने उन्हां नूं पैडागोजी, पैडागोजी मीन टीचिंग ते किवें अप्लाई करना है वो इहदे विच पढ़िया जाएगा, 30 क्वेश्चन होणगे। अच्छा जिहड़े अगले भी एक चार पंज यूनिट ने, चार यूनिट ने, टोटल पंज यूनिट ने, उन्हां दे विच ए प्रिंसीपल्स नूं अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस नूं रब कर दिंदे हां, पहला सैकेंड पेपर है तुहाडा लैंग्वेज वन पंजाबी, इस दे दो डिवीज़न होणगियां, दो डिवीज़न दे विच 15 मार्क्स एक डिवीज़न, 15 एक, इहदे विच दो पैराग्राफ होणगे, ओके, टू पैराग्राफ्स।
ਜਿਹੜੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 14 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਿਹਦੀ? ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 15 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੋ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ 15 15 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ 25-30% ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਥ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? NCERT ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 70% ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 22-23 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ 7-8 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਥ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਕਿ 22 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਉਸਦੇ 7-8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 70% ਆਈਟਮਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 50% 50% 15-15 ਕੁਐਸਚਨ, 14-14 15-15 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ NCERT ਦੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 25-30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 7-8 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਹੈ, CDP ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ CDP ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2011 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ SST ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। 150 ਕੁਐਸਚਨ, 150 ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ 109 ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ 1-5 ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਵਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਲਾਸ, ਈਅਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ 11-14, ਉੱਥੇ 10-11 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ NCERT ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 8 ਤੱਕ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਲਾਸਿਸ, 6, 7, 8 ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ 6, 7, 8 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।
फॉर एग्जाम्पल मोटिया मोटिया जो सी टेट पी टेट स्ट्रीम हैगियाँ हैं वह मैथ ते साइंस है और सोशल साइंस है, लेकिन पी एस टेट विच फिजिकल एजुकेशन होम साइंस है, म्यूजिक है, संस्कृत है, उर्दू है, है ना, उच्च ऑप्ट करते हो। जे ऑप्ट करते हो तो वो लगभग टोटल 60 एम सी क्यू आने हैं, 60 एम सी क्यू के 45 तो 50 क्वेश्चन जड़े ने, 45 तो 50 क्वेश्चन ये तुहानू एन सी आर टी दियाँ एन सी ई आर टी दियाँ बुक्स विचों मतलब तुहाड़ियां क्लासां विचों जिहड़े कंटेंट दिता है अगे दिता है सिलेबस उहदे चों पुछे जाने हैं। 60 दे विचों जिहड़े 10 तो 15 क्वेश्चन होणगे ये पैडागोजी दे होणगे, पैडागोजी। सो अगे इहनां दी डिवीजन भी बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 45 क्वेश्चन ने मैथ्स दे लगभग 20-22 क्वेश्चन होणगे, इहदे विच 20-22 क्वेश्चन होणगे, साइंस दे मान लो 23 क्वेश्चन होणगे, साइंस दी अगे डिवीजन बन जाएगी कि 7-8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बायोलॉजी चो, 8 कैमिस्ट्री चो, 8 फिजिक्स चो, इस तरह डिवीजन बन जाएगी। इस तरह सोशल साइंस है, जे सोशल साइंस है तो उहदे विच 3 डिवीजन बन जाणगियां, सोशल साइंस आ गई फॉर सोशल साइंस, हाँ बिल्कुल। इहदे विच की है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पोलीटिकल साइंस है, इकनोमिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और जोग्राफी है ना जो होएगा बहुत घट। सो इस दे मान लो 15-16 क्वेश्चन ये 15-16 क्वेश्चन ये 15-16 क्वेश्चन ये बाकी 10 तो 15 जिहड़े बाकी बजणगे वह पैडागोजी के होंगे क्वेश्चन। ओके सो ये एन सी आर टी उही पढ़नी पएगी तुहानू 8वीं तक की, वैसे अगे भी पढ़ लेनी चाहिए है, फिलहाल ये तैयारी तुसी इस तरह भी शुरू कर सकते हो, असी चैनल पर जिवें दस के आए हाँ उस तो तैयारी भी करवावांगे। सो ये सी स्ट्रक्चर, इस तो इलावा तुहाडा कोई क्वेश्चन होवे लिखिया होया जो मैं ऑलरेडी तुहानू दस आया हाँ, इस तो इलावा कोई क्वेश्चन होवे इस तो बाद सिलेबस भी दिता है, सिलेबस भी देखना है तो चलो देख लें, मोटा मोटा सिलेबस देख लें, चाइल्ड डिवेलपमेंट का ये तुहाडे जिन्हां ने पहली बार टेट देना है उन्होंने थोड़ा जिहा औखा लगेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की कोलबर्ग प्याजे ये थ्यूरीज जिहड़ियां ने मल्टी डायमेंशनल थ्यूरी है ये समझनियां थोड़ियां औखियां लगनगियां, अदरवाइज जिहड़ा यूट्यूब ते मैं वीडियो पा रहा हाँ उहदे च नाल नाल थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर रहा हाँ, क्योंकि टाइम थोड़े दे विच इस तरह तैयारी की जा सकती है कि पिछले साल के पेपर पहले सॉल्व किए जाने फिर उदों दी प्रैक्टिस करवाई जाए वो करवा रहे हाँ। सो ये सिलेबस है मोस्टली डोमीनेट कर रहा है साइकोलॉजी। ओके सो इसनों डिस्कस किया जाएगा, इनकलूसिव एजुकेशन है, 5 को क्वेश्चन ये आ जाते होंगे और 5-10 क्वेश्चन जोड़े लर्निंग पैडागोजी के इन चो आ जाते होंगे। ओके पैडागोजी रिपीट होनी है, फिर लैंग्वेज 1 का है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, 2 पैसेज आएंगे है ना, एक प्रोज या ड्रामा चो आएगा, एक पोएम का आएगा, तो पैडागोजी के क्वेश्चन कहे हो गए, लर्निंग एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रो ये जो बी एड में नॉर्मली तुसी टॉपिक पढ़ते हो उन्होंने ही आते हैं हाँ, जो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज दी थ्यूरीज है चोमस्की वगैरह उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, चोमस्की की थ्यूरी है जी क्रिटिकल ग्रामर के लिए है, चलो अगे चल के पढ़ा करा। सो लैंगुएज स्किल्स है, वैल्यूएटिंग लैंगुएज है, रीडिंग राइटिंग है, ये तो बी एड वाला डी एल एड वाला वो सिलेबस ही होंगे है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, उस तरह ही सारा रिपीट होएगा, सिर्फ इंग्लिश होएगी, पहला पंजाबी सी कंटेंट उत्थे पंजाबी दा सी, इत्थे इंग्लिश दा होएगा। मैथ्स दे की है कंटेंट है ये देख सकते हो, सारा मैं रीड नहीं करांगा जां अलग तो इहदा वीडियो बना देवांगा, ये सारा उही है एन सी आर टी दी जिहड़ियां बुक्स ने जिहड़ियां दसियां 1 तो 5वीं है ना उही होणगीआं, पर तुसीं इत्थों टॉपिक देख के अपनी तैयारी कर सकते हो, पैडागोजिकल इशू उस दे एनवायरमेंटल स्टडी, ओके रिलेशनशिप वर्क प्ले एनीमल प्लांट्स वो सिलेबस ही है, बुक्स ही है बच्चों दी, हाँ क्वेश्चन जड़े ने वो एक्सटेंड हो जाते हैं। सो ये पेपर 2 है, इहदा चाइल्ड डिवेलपमेंट तो पेपर 1 का पेपर 2 का सारा ही लगभग मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है। सो कई बार तो वो वाला औखा होंदा है जिहड़ा पेपर 1 वाला होंदा है। इस तो बाद तुहाडा आ गया लैंग्वेज, लैंग्वेज भी पहले उत्ते दे मुताबक ही है बिल्कुल, कॉम्प्रीहेंशन ते पैडागोजी, और लैंग्वेज 2 भी उस तरह है। इस तो बाद SST ओदा तुहानू अलग तो पेपर देखना पैना है, ये चलो जिहड़ा है सिलेबस देखो चेंज हो गया, पेपर 2 लई है, कंटेंट है नंबर सिस्टम है, नोइंग नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नैगेटिव नंबर, अलजैबरा है, ज्योमैट्री है, ये पार्ट्स ने इहदे। ओके सो ये सिलेबस है, इस तरह तुसी देख लो, साइंस का है, सारियाँ स्कूल बुक्स जो हैं क्यों, क्योंकि तुसी स्कूल के बच्चों ही टीच करना है, ये रहा
सोशल स्टडी का है, बाकी तुसी स्ट्रीम दे देख लेना। हिस्ट्री का थोड़ा जा टॉपिक ज़्यादा ने, लेकिन ज्योग्राफी दे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ने। आ गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी दे देखने टॉपिक घट लगते हैं, लेकिन ज़्यादा होंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ओके, पॉलिटिकल लाइफ मैं ही करवावांगा। और ये हो गया पैडागोजिकल इशू, उत्थे जिहड़ियां आपां साइकोलॉजी थ्योरियां पढ़ते हैं वो ही अप्लाई होनी है। फॉर डिटेल सिलेबस क्लास, ओके, पहली तो अठवीं तक प्लीज़ प्रैपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड NCERT सिलेबस एंड टैक्सट बुक, ये तुम दसया गया है। सो तैयारी लिए मैं की दसना, उन्होंने ही दस दिता है कि इन्हों तैयार करना है। मेरे ख्याल इतने तक काफ़ी है, अगले जे तुसी कहोगे तो उन्हों का सिलेबस भी पा दाँगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।